बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। अभी युवाओं की बात चल रही थी, खेलों की बात चल रही थी। राजस्थान जो भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा राज्य है, युवाओं की अगर मैं बात करूं, युवाओं के रोजगार की बात करूं, तो पूरे देश में लगभग 8 से 9% तक बेरोजगारी है। वहीं हमारे राजस्थान में वो बेरोजगारी दर 27% है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं बेरोजगार आज के समय में कहीं है तो वो हमारे राजस्थान में। थोड़े समय पहले मेरे साथी विधायक साहब कह रहे थे कि साहब जो युवा है नशे की ओर जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, चिट्टा फैल रहा है, इसमें का पता नहीं क्या क्या नशों के नाम ले रहे थे। साहब उनको रोजगार तो दो। सुबह हम लोग यहाँ पे 9 बजे आके बैठते हैं, रात को 9 बजे तक निकलते हैं। साहब नशा तो दूर, खाने का ही पता नहीं चलता। आप अगर उनको रोजगार दोगे तो कोई नशा नहीं करेगा। और रोजगार देने के लिए हमने क्या पॉलिसी बना रखी है? कोई यूथ पॉलिसी है क्या? आपने अभी कहा कि साहब हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मैं स्वागत करता हूं, मैं टेबल बजा के आपके इस फैसला का स्वागत करता हूं। पर 4 लाख युवाओं को रोजगार दोगे कैसे? वर्गीकरण किया आपने? आज के समय में हमारे यहां पे 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास 18 साल से कम युवा है। 88 लाख तो पहले से ही बैठे हैं और आने वाले 5 साल में 70 लाख की एक भीड़ और तैयार हो जाएगी। 1.5 करोड़ जो बेरोजगार होंगे, उन 1.5 करोड़ में 4 लाख नौकरी, क्या ये ठीक है? कया करे कि साहब ऊंट रहे मांड में जीरे वाली स्थिति हो जाए। हमें नए संसाधन डेवलप करने पड़ेंगे हर क्षेत्र में। उसके लिए हमें सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। मेरा निवेदन कि यूथ पॉलिसी बनाई जाए। यूथ पॉलिसी पे हम सब मिलकर काम करते हैं। और मैं तो प्रदेश की सरकार से, हमारे खेल मंत्री जी से, युवा मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर यूथ पॉलिसी में अगर कोई समस्या आ रही है, मैं यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, आप ये जिम्मेदारी हम पे छोड़ें, आने वाले 7 दिन में यूथ पॉलिसी बना के आपके सामने रखेंगे, इस सदन के सामने रखेंगे, ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ। साहब अभी खेलों की बात हो रही थी, आज से ठीक 3 दिन बाद पेरिस में ओलंपिक गेम हो रहे हैं। हमारे पूरे दुनिया भर से 10,500 खिलाड़ी उस ओलंपिक में भाग लेंगे। सब देश के 117 खिलाड़ी वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन 117 में से हमारे राजस्थान के कितने हैं? राजस्थान के हैं मात्र 2 लोग। और जो 2 लोग वो जा रहे हैं राजस्थान की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट ने 1 रुपया उनके प्रशिक्षण के लिए नहीं लगाया। वो खुद के खर्चे से वहां तक पहुंचे हैं। हम बात करते हैं साहब हम खेलों में आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे हम आगे? साहब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक जो खेल परिषद जो यहां पे खेल संचालन का काम करती है, उसके अंदर कुल 41 रजिस्टर्ड गेम है, 50 जिले हैं। अगर एक जिले में 41 लोग लगाए जाए तो लगभग 2050 के आसपास प्रशिक्षकों की हमें जरूरत है। पर बड़ा दुख होता है साहब, 248 खेल प्रशिक्षक की स्वीकृति हो चुकी है और वहां पर 66 प्रशिक्षक ही लगाए हुए हैं। लगभग 182 पद खाली पड़े हैं, एक भी अपने पास कोच नहीं है। बहुत गंभीर स्थिति है खेलों की। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे रजत विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी साहब से, जो कि खेल मंत्री है। साहब बिना द्रोणाचार्य के अर्जुन तैयार नहीं हो सकते। मैं आज इस मौके पे सादुल स्पोर्ट्स की भी बात करूंगा। सादुल स्पोर्ट्स जो एकमात्र आवासीय स्पोर्ट्स सेंटर है, आज वहां पर स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। मेरा निवेदन है आपसे कि उन बच्चों की ओर भी आप ध्यान दें, उन खिलाड़ियों की ओर भी ध्यान दें। पिछले 16 साल से उन खिलाड़ियों को भोजन भत्ते के रूप में 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया गया है। 16 साल में महंगाई तो बढ़ गई, पर आज भी उनका भोजन भत्ता वो वैसा का वैसा है। आप देखेंगे कि साहब 50 डिग्री टेम्परेचर में भी वो खिलाड़ी, वो हमारे छोटे भाई जो आने वाले समय में राजस्थान का, भारत का नाम रोशन करेंगे, वो एक पंखे के नीचे बैठे हैं। हम तो बड़े बड़े एसियों में बैठे हैं साहब, पर उन खिलाड़ियों की बात कौन करेगा? वो बीकानेर जिला है,
खेल मंत्री जी, वो आपका खुद का जिला है, मेरा निवेदन रहेगा कि उस साधुकुल स्पोर्ट्स की तरफ आप विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ मेरा निवेदन कि तमाम युवाओं के रोजगार के लिए आप नए संसाधन लाएं। मुझे समय दिया इसलिए मैं सभापति महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।